हेलो फ्रेंड्स, तो आज की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर हमने एक्सटेंशन बोर्ड जो पिछले वीडियो में यहाँ पर हमने सीरीज लैम्प बोर्ड बनाया था, उसको मैं आज इसको निकाल दूंगा। और यहाँ पर इसकी जगह जो है मेरे पास एक फैन है, तो फैन की हमें रेगुलेट करने के लिए उसकी स्पीड जो है वो हमें कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस बोर्ड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मदद से जो है मैं फैन की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा कर सकूं। तो आज की वीडियो में हम रेगुलेटर लेंगे, वो रेगुलेटर जो फैन रेगुलेटर होता है उसको यहाँ पर लगाएंगे और जो फैन की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने एक जो फैन रेगुलेटर था उसको मैंने मार्केट से ले आया हूँ, और इस मदद से जो है हम फैन की स्पीड जो है वो रेगुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर दोनों प्लग की तो मुझे आवश्यकता है ही, तो मैं इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे यहाँ पर जो फैन की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ करके यहाँ पर मैं जो है वो ये जो है वो लगाऊंगा, और आपको भी सिखाऊंगा कैसे इस बोर्ड में जो चेंजेस करके वो हम किसी भी बोर्ड हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो गाइस, इसको मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है, और हमने जो यहाँ पर वायर कनेक्ट किए थे उसको मैं निकालना पड़ेगा। तो मैं जो है वो सारे वायर जो हमने पहले लिए थे उसको मैं निकाल देता हूँ। और हमें यहाँ पर पेन रेगुलेटर लगाने के लिए यहाँ इस जो है वो इस सॉकेट यानी कि बल्ब वोल्ट को जो है हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको निकाल जो है वो निकल दिया है, और अब मैं जो रेगुलेटर है उसको इसके बल्ब जो है उसको निकल देता हूँ और लगा देता हूँ यहाँ पर। वैसे यहाँ पर मैंने जो इसके बोल्ट है उसको मैंने फिक्स कर लिया है, और अब मैं इसके कनेक्शन की आवश्यकता होगी तो इसके कनेक्शन कर लिया के लिए मैं यहाँ पर जो इसके दो तार है तो दो तार हो, पहले मैं जो है एक तार लेना है, किसी भी आप ले सकते हो, ये चीज वाली ले सकते हो, ये वाली ले सकते हो। इसको जो है जो मैं पहले जो कॉमन जो फेज वायर आती है उसमें से एक को लगा देना है। तो गाइस, यहाँ पर हमारी फेज वायर जो है वो आ रही है, तो उसमें से हमें कॉमन कर लेना है, जो कि हमने यहाँ पर स्विच थी तो भी कॉमन किया, तो ऐसी स्विच के जैसे ही लगाना है, लेकिन इसके जो टर्मिनल होते हैं ऐसी इस प्रकार से फर्क होता है, बाकी कोई भी यहाँ पर फर्क नहीं होता है। तो ये जो कॉमन है उसको लेना है, और बाद में यहाँ से जो है इसमें एक प्लग में लगा देना है, जो दूसरी वायर है वो यहाँ पर एक जो है वो न्यूट्रल का प्लग होगा, और एक जो यहाँ पर स्विच में जो हम करते हैं यहाँ पर जो दूसरा टर्मिनल स्विच में होता है, तो कि मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ, एक टर्मिनल जो यहाँ पर होता है वो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं वो टर्मिनल, और उसके बाद में जो यहाँ से दूसरा टर्मिनल निकलता है वो सीधा ही हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये ऐसे ही कुछ है स्विच की जैसे ही, लेकिन यहाँ पर तो वायर दिए हुए तो हमें वायर के साथ ये सब करना है, उसमें जो टर्मिनल दिए थे तो हमें अलग से वायर जो है उसको लगाना पड़ता था, यहाँ पर सेम चीज है। मैंने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा दिया, और जो यहाँ से हमने जो न्यूट्रल था उसको कॉमन करते थे सभी प्लग में, तो वो यहाँ पर वैसे ही न्यूट्रल जो है उसको हमें कॉमन करना है।
गाइस यहाँ पर हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया है और इस प्लग की मदद से जो भी यहाँ पर हम डिवाइस लगाएंगे, फैन लगाएंगे या जो इसकी मदद से जो है वो ऑपरेट होगा और इसके हिसाब से यहाँ पर जो इस प्लग में वोल्टेज कम ज़्यादा मिलेगा उसके हिसाब से हमारा जो फैन है वो उसकी स्पीड में भी चेंज आएगा। तो गाइस यहाँ पर बोर्ड तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन आपने देखा होगा कि घर में यहाँ पर कहीं भी हमारा स्विच में प्लग जो फैन होता है उसको यहाँ पर पिन होती है वो नहीं लगी हुई होती है और सीधा ही यहाँ पर फैन रेगुलेटर दिया होता है और उसकी मदद से जो है हम फैन की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं करना, जो हमारे फैन के दो वायर सीधा ही बोर्ड में आते हैं उसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको लेना है कि यहाँ पर दो टर्मिनल जो है वो फैन में से वायर आ रही है, तो ये जो दो वायर है वो फैन में से यहाँ पर हमारे बोर्ड में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, एक जो फैन का वायर है उसको हमें कॉमन टर्मिनल पर दे देना है कहीं पर भी और दूसरा वायर जो यहाँ पर इस प्लग में नहीं लगाऊँ, ये जो है ये टर्मिनल में नहीं लगाऊंगा और इसको निकाल के आप यहाँ पर जोड़ देना है दूसरे टर्मिनल और एक न्यूट्रल को कॉमन कर देना है। तो जो है वो आप बिना किसी प्लग के यहाँ पर आप रेगुलेटर है वो फैन की स्पीड कर सकते हैं जो कि वायर, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है तो मैं इस प्लग को ही जो है वो रेगुलेटर जो है उसमें बना देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है इसके टेस्टिंग की, तो मैं इसका टेस्टिंग करेंगे। मैं यहाँ पर इसको टेस्टिंग करने के लिए मेरे पास यहाँ पर फिलहाल तो मेरे पास कोई फैन नहीं है, तो मैं यहाँ पर बल्ब की मदद से आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे इसके जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा होती है, जैसे कि फैन की स्पीड जो है इसी हिसाब से जाए कम ज़्यादा होगी। तो वैसे मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार से ले जाता हूँ और इसी हिसाब से जो है वो मैं इस बोर्ड को ऑन करता हूँ। तो इसके लिए मुझे प्लग इन करने की आवश्यकता होगी, तो मैं प्लग इन करके आता हूँ प्लग यहाँ पर दूसरा हमारा वायर है उसको, और फिर बाद में हम जो है इसको टेस्ट करते हैं। गाइस तो यहाँ पर मैंने जो है बोर्ड को प्लग इन कर दिया है दूसरे बोर्ड में और अब जो मैं यहाँ से जो है इस रेगुलेटर को चेक करूँगा कि कैसे हमारी स्पीड जो है वो यहाँ पर हम फैन लगाएंगे वो फैन की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होगी या नहीं। तो हमें इस फैन की स्पीड को, हमारे पास फैन नहीं है तो हम बल्ब की ब्राइटनेस से पता चल सकता है कि यहाँ पर जो है वो इसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस इस जो फैन रेगुलेटर है उसको मैं घुमाता हूँ और ये ऑफ कंडीशन में भी मैं इसको ऑन करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो बल्ब जो है वो धीरे से चल रहा है और अब मैं इसको दो की स्पीड पर ले जा रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, जैसे ही मैं यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर लग गया अब ये चौथे पॉइंट पर लग गया और पाँच छ और सात पे यहाँ पर देख सकते हो पूरी ब्राइटनेस से जो है हमारा बल्ब चल रहा है। तो गाइस इस प्रकार से जो हम पेन का रेगुलेटर है वो किसी भी बोर्ड में यूज़ कर सकते हैं और बिना कुछ दिक्कत के। तो गाइस मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ऐसे चल रहा है। तो गाइस ये सब बोर्ड जो आपको किसी भी बोर्ड को जो है वो ऐसे बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके भी मन में कोई बोर्ड में समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके लिखिए ताकि मैं जो इसके ऊपर दूसरी वीडियो बता सकूं और आपको कुछ हेल्प कर सकूं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में वो भी कुछ दूसरे नए बोर्ड के साथ।